तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक सैमसंग का M30S मॉडल है और इसके अंदर पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जब भी यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है तो इसके अंदर मिनट सेकंड्स वगैरह मांगने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको किस तरीके से इसका पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक करोगे मैं आपको तरीका बताने लगा, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, फ़ोन को ऑफ करना है। तो ऑफ़ करोगे तो ये आपको यहाँ पे फिर से वो पैटर्न मांगेगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, किस तरीके से वॉल्यूम माइनस प्लस एंड पावर की तीनों एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों एक साथ प्रेस करेंगे, देख सकते हो। जब तीनों एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा मोबाइल रीस्टार्ट होगा। जैसे रीस्टार्ट होगा तो ये पीसी का डाटा केबल है, पीसी के अंदर लगाया हुआ। उसके बाद हम इस डाटा केबल को लगाएंगे और पावर की को दबा के रखेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल हमारा ऑफ हो चुका है और यहाँ पे हमने पीसी के अंदर ये डाटा केबल लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पावर की को दबा के रखना है और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस की, ये वाला प्लस की आपको यहाँ पे दबा के रखना है, ठीक है। ऐसे आप इसको भी लगा के रखना है ताकि जो है आपका जो है मोबाइल हार्ड रिसेट हो सके। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो मोबाइल है स्टार्ट हो रहा है और हमने यहाँ पे पाल प्लस की दबा के रखा था और यहाँ पे डाटा केबल, विदाउट डाटा केबल आपका मोबाइल हार्ड रिसेट के अंदर नहीं जाएगा, जब तक आपके पीसी के अंदर कनेक्ट रहेगा तभी जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 11 है और यहाँ पे इसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे और हमारा जो फ़ोन है ये हो जाएगा हार्ड रीसेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम वाइप डाटा पे ले जाएंगे बोलिया माइनस से और पावर की को दबाएंगे एंड फैक्ट्री रीसेट पे फिर से पावर की को दबाएंगे। तो ये हमारा जो फ़ोन है फैक्ट्री रीसेट होगा। फैक्ट्री रीसेट होने के बाद इसके अंदर अगर FRP लॉक लगता है तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आप देख लेना। यहाँ पे वाइप डाटा पे ले जाएंगे, वाइप कैच पार्टीशन फिर से पावर को दबा देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा फ़ोन जो है फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद यहाँ पे रीबूट नाउ पे क्लिक करेंगे पावर की पे से। अब हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस रखते हो तो आपका प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा फ़ोन स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर अगर ईमेल आईडी आपको पता है, आपके आपका पर्सनल फ़ोन है और आपका ईमेल आईडी इसको पता है तो उसमें डालोगे ईमेल आईडी पासवर्ड, लॉगिन करोगे तो आपका मोबाइल लॉगिन हो जाएगा, बस यही होता है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा मोबाइल जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर FRP लॉक लगा है कि नहीं, ठीक है। स्क्रीन तो दोस्तों इसके अंदर ऑलरेडी FRP लॉक लग चुका है। दोस्तों अगर इसका FRP अनलॉक करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप देख सकते हो और इसका FRP लॉक रिमूव कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ दोस्तों फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसका FRP अनलॉक करना चाहते हो सैमसंग M30S एंड्रॉयड 11 का, तो ये नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, आप लिख सकते हो सैमसंग M31 FRP बाईपास अला मोबाइल डेक, ठीक है, आ सकता है। अदरवाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।